जगडोली मशीन एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त रविंद्र काजान। आज भी एक हार्वेस्टर चल रही है, ये जॉन डियर कंपनी की W70 जो कि बाजरे को हार्वेस्ट कर रही है भाई। तो भाई दोस्तों मैं आपको आज इस हार्वेस्टर का काम दिखाता हूँ। बाजरा जो है उसकी कंडीशन क्या है ये दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। ये जो बाजरा है दोस्तों ये बिल्कुल मशीन के लायक हो रहा है। जो बाजरा मशीन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है उसकी पहचान ये होती है कि यदि इसको जो इसकी ये जो सिट्टी होती है इसको जब ऐसे दबाएंगे तो ये दाना जब निकलता है तो ये मान के चले कि ये बाजरा मशीन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस पूरे बाजरे की ये कंडीशन है दोस्तों। और भाई ये W70 हार्वेस्टर चल रही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, पीछे जो SMS है वो SMS चल रहा है और बाजरे का जो काम होता है उसके लिए मतलब है, ये जो शटर वाकर के ऊपर जो चादर होती है जो यहाँ पर लगती है वही ये खोल दी जाती है। इस चादर का खोलने का कारण मेन ये होता है दोस्तों कि भाई बाई चांस लांग ज़्यादा होती है बाजरे में और यदि शटर वाकर चौक हो जाए और कुछ हो जाए तो टाइम से संभाल सकते हैं शटर वाकर को कि भाई हाँ भाई चौक हो गया है, तो इसलिए ये दिखता रहता है भाई। और यदि ये बाई चांस चौक हो जाए और पता नहीं लगे तो भी शटर वाकर टूटने का खतरा हो जाता है। सरसों हुई, बाजरा होया, इनकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो भाई देखो ये जो चादर होती है पीछे वाली खोल देनी चाहिए। नॉर्मली मैं आपको एक यही सलाह देना चाहूँगा, जो भाई हार्वेस्ट रखते हैं ये सलाह उनके लिए है भाई, क्योंकि एक शटर वाकर दोस्तों कम से कम भी 6-7 हज़ार रुपये का होता है। तो जैसे ये जो बड़ी फसल होती है जैसे बाजरा हुआ, सरसों हुई, इन चीज़ों में शटर वाकर चौक होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। और यदि शटर वाकर के ऊपर यदि ये लांग ज़्यादा देर ठहर जाए, चौक हो जाए तो शटर वाकर टूट भी सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। शटर वाकर की करेंग भी टूट सकती है दोस्तों। ये काम इस खेत का कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग ये 3 एकड़ की ये खेत है तो इसका काम भाई दोस्तों ये कंप्लीट कर दिया है। काम दिखाऊं मैं यदि आपको इसका, तो कुल मिला के भाई काम ठीक है। थोड़ी बहुत इक्की दुक्की जो सीटियाँ होती हैं वो भाई रह जाती हैं किले का, ये मान के चलो भाई
85 किलो का नुकसान, 50-60 किलो का नुकसान, तो मान के चलो को एक की दुख की छट्टी रह गई उसमें, लेकिन 95% भी कम ठीक है दोस्तों। तो अभी इसकी जो थ्रेसिंग है, जो सफाई है, वो और मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, ये एक थोड़ी ही जानकारी थी दोस्तों आपके लिए, किसान भाइयों के लिए भी, और जो जॉन डियर के जो कंबाइन हार्वेस्टर वाले जो मालिक हैं उनके लिए भी। और भाई ये कंबाइन एक बार थोड़ा हा दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन सी कंबाइन है। ये भी जॉन डियर W70, ये हार्वेस्टर है भाई। तो यदि आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो भाई आप पूछ सकते हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थोड़ा ओगर जब हटाते हैं तो भाई थोड़ा बहुत ये जो इसमें नाजरे जाता है उसको थोड़ा निकालने को लुके, और अभी दूसरे खेत में जाने के लिए तैयार है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।